कि आप लोगों को दिखाई देती हूँ। ये है, ओपन करके दिखाऊंगी। मार्केट गई थी तो मैं लेकर के आई हूँ। सब कैसे हैं? होप आप सभी इस समय अच्छे ही होंगे और आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। वो मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था बट अभी फिर बोल रही हूँ क्योंकि आज है पोंगल और आप सभी को पोंगल की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साउथ इंडियन लोगों का ये त्यौहार होता है, पंजाबियों का हो चुका है लोहड़ी। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी संक्रांति एंड हैप्पी पोंगल। और सुबह के काम हो गए हैं मेरे। आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ मैं बनाऊँ आप लोगों के लिए संक्रांति के लिए स्पेशल, तो सोच रही हूँ कि बनाकर कुछ दिखाऊँ। वैसे मेरे यहाँ ये लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं, फिर भी बनाना तो होता है त्योहारों में हमारे हिंदू घरों में या जो भी हैं, जैसे जैसे जिनका जिनका जो कास्ट है उनके में जो है वो बनाना तो ज़रूरी होता है, जो जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं। तो कल मैं मार्केट वगैरह गई थी और लेकर के आई हूँ डेली का सामान। कुछ कुछ घर में सामान ख़त्म हो गए थे, ग्रॉसरी जो होती हैं। आवाज़ आ ही गई होगी आप लोगों को, दिखाई देती हूँ। ये है, ओपन करके दिखाऊंगी। मार्केट गई थी तो मैं लेकर के आई हूँ। और आप सभी ने भी क्या क्या बनाया, कैसे रह रहे हैं ज़रूर बताइए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर मैं आपसे विनती करूँगी कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। बेल बटन अगर आप दबाते हैं तो मेरी जो भी नई वीडियोस आती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। और साथ ही लाइक और शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। तो चलिए दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ। कल हम गए थे मार्केट और अभी यहाँ का सीज़न बहुत ही, वेदर जो है ख़राब चल रहा है, बहुत बारिश वगैरह हो रही है बाहर। मैं आपको क्लिप्स वगैरह दिखा दूँगी। सुबह के काम वगैरह मैंने निपटा लिए हैं, वो भी थोड़ा बहुत मैं चाहूँगी कि ऐड कर लूँ। मेरी मेड अभी नहीं आ रही तो सारे काम मैं खुद ही कर रही हूँ और लंच भी मेरा अभी तक बना नहीं है, तो सोच रही हूँ कुछ फटाफट से शॉर्टकट कुछ आज बना लूँ और आप लोगों के साथ मीठे की जो संक्रांति में कुछ बनाते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर बनता है जो जो हमारे में बनता है बंगाली घरों में, पीठा बनता है चावल के आटे से, तो सोच रही हूँ कुछ बना लूँ शॉर्टकट जो जल्दी बन पाए। और दिखाती हूँ क्या क्या लेकर के आई हूँ, तो देखिए, तो बने रहिए, मैं निकालती हूँ सामान। वैसे तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये तिल के लड्डू जो कि सभी घरों में बनता है, बट मुझे तिल के लड्डू उतने अच्छे से बनाने नहीं आते हैं। ट्राई किया था मैंने एक बार, मेरी फ्रेंड ने मुझे सिखाया था, तो अभी मेरे पास टाइम नहीं था, मेरी तबीयत भी कुछ ख़राब थी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था। तो ये लड्डू मैं लेकर के आ गई हूँ क्योंकि भगवान जी को चढ़ाना भी पड़ता है, भगवान जी में चढ़ा भी दिए। और ये रहा, ये चकली होती है जो
देखिए ये भी मैं लेकर के आई हूँ मार्केट से, इजीली अवेलेबल है आजकल ये मैंने ले आया है। और बाकी तो सारे ग्रोसरी के सामान है, फिर भी मैं दिखाई दूंगी। ये मेरी बेटी का फेवरेट शेजवान चटनी, मम्मी शेजवान चटनी लोग बोलती है, तो ये मैंने लिया। और तीखा वगैरह जो बनाऊंगी बोल रही हूँ, थोड़ी नॉइस आपको आ सकती है प्लास्टिक की। ये है नारियल का चूरा, जो दो पैकेट मैंने लिया, दो वेरियंट का है ये, एक थोड़े बड़े हैं और एक छोटा है, बारीक है जो। और ये मैं ली हूँ सरसों का पैकेट, पीली वाली सरसों जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, कुछ भी डिशेस वगैरह बनते हैं तो हमारे यहाँ ये यूज़ होता है। ये थोड़े ख़त्म हो गए थे तो लेकर के आई हूँ मैं। और ये बिस्किट वगैरह है, क्रीम बिस्किट है, नॉर्मल बिस्किट है। और लिया है मैंने सबसे ज़रूरी है, अभी ठंड में पोरोलिन ख़त्म हो गई थी तो मैं ये एक छोटा वाला भी लिया है मैंने, और एक ये बड़ा वाला भी। ये है शुगर, 1 kg शक्कर लिया मैंने था, फिर भी थोड़ा ले आई हूँ मैं। और इम्पॉर्टेंट है ये है जैगरी गुड़, ये मैं ज़्यादा ही लेकर के आ गई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड हर समय घर पे होते नहीं है, तो और यहाँ से मार्केट भी थोड़ा दूर है तो हम बार बार जा नहीं पाते हैं, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही ले आई हूँ कि अभी अगर मैं कुछ बनाती हूँ तो ये मेरे पास इसीलिए अवेलेबल रहे। ये रहा सॉस का पैकेट, ये बहुत ज़रूरी है, ये मैं किसान का ही लेती हूँ हमेशा। कांच वाले बॉटल्स मैं लेना अवॉइड करती हूँ क्योंकि अगर जिनके घरों में बच्चे हैं तो वो टूटने का डर होता है, ये बहुत मस्त होता है। बस इससे निकालिए, लीजिए और फिर रख दीजिए फ्रिज में। और मेरी हॉर्लिक्स ख़त्म हो गई थी लास्ट टाइम, तो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था बट अभी टाइम नहीं था मुझे ऑर्डर करने का, तो मैं कल मार्केट गई थी तो मैं ये भी लेती आई 1/2 liter। और यह है 2 नारियल बड़े बड़े साइज का, कच्चा नारियल है, देखती हूँ अगर मैं कुछ बनाऊंगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वीडियो। वैसे बनाना ज़रूरी होता है, संक्रांति में सबको बनाना चाहिए। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, देखिए कितना सारा सामान है, सारा टेबल में फैल गया। और मिलते हैं फिर किचन में, अगर मैं कुछ बनाने की तैयारी करती हूँ तो शेयर करूँगी, बने रहिए वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उमाज ऑल इन वन चैनल। तो आप सब कैसे हैं, होप आप सब अच्छे ही होंगे। और कल मैंने बोला था कि मैं आप लोगों के साथ एक पीठा की रेसिपी, मीठा जो होता है जो संक्रांति में बनता है, उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट कल मैं चली गई थी किसी के यहाँ थोड़ा बैठने के लिए, हम सारे फ्रेंड्स हमारे जो आसपास है हम सब मिलकर गए थे, तो कल तो रेसिपी हो नहीं पाई। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पीठा की रेसिपी, जो कि एक्चुअली है बंगाली डिश। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर गुड़ जो है मेल्ट करने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा पानी ऐड किया है इसमें मैंने, और इस तरह देखिए मेल्ट करने के लिए रखा हुआ है गैस पे। और साथ ही मैं लेने वाली हूँ, आपको दिखाऊंगी अभी, ये है चावल का आटा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए ये कॉफ़ी वाला मग है, इस मग में मैं ले रही हूँ, क्वांटिटी आपको मैं दिखा दूँगी आगे। और बहुत इजी सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें चाहिए नहीं। ये है मैदा, तो चलिए कैसे क्या बना रही हूँ और गुड़ कितना मेल्ट कर रही हूँ ये मैं ज़रूर बता दूँगी। ये है देखिए इस तरह की गुड़ आती है जो मार्केट से हम लेकर के आते हैं, ये ऐसे वाले मैंने 4 इस पर मेल्ट करने के लिए रखे हैं, क्रश करके उसमें मैंने डाल दिया, थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया है और ये बस मेल्ट हो जाए, उसके बाद हम तैयारी करते हैं पीठा बनाने की। तो इसका नाम है तेलेर पीठा, जो बंगाली एक डिश है, नॉर्मली इधर इसको एरसा भी कहेंगे बट ये एरसा टाइप है नहीं, इसको हमको क्योंकि फ्राई करना है, फटाफट से बनने वाला है, ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये मैंने एक बाउल ले लिया है बैटर तैयार करने के लिए, और ये कप तो मैंने आपको दिखाया ही था, इसमें है चावल का आटा, ये मैं ले रही हूँ ये कॉफ़ी वाले मग में, ये मैंने एक मग पहले ले लिया है, ये 2 कप मैं ले रही हूँ। सेम कप में देखिए ये चावल का आटा है, अब इसी कप में हम लेंगे 1 कप से थोड़ा कम मैदा, तो मैं मैदा लेकर के आती हूँ तब तक। ये है मैदा, ये देखिए फुल मैंने कप नहीं लिया है, चावल का आटा मैंने फुल 2 कप लिया था, ये थोड़ा सा कम है, 1/4 कह सकते हैं हम, ये इसमें हम ऐड कर देंगे। और इधर देखिए गुड़ को भी मेल्ट करके रखा है मैंने, अब इसी टाइम पर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा
टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सॉल्ट हम इसमें ऐड करेंगे, तो मैं इसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप लोग दे सकते हैं, चाहे आपको अगर नहीं पसंद है खारापन तो आप हटा सकते हैं। अब इस टाइम पे हम इसमें जो मेल्टेड हमारा वो गुड़ है, जगरी है, लिक्विड जो हमने बनाया है उसको हम इसमें, ये छन्नी मैंने लिया है, चाय छन्नी जो है इसके सहारे इसमें हम छान करके ऐड करेंगे। अब इसको हम हल्का सा सूखा इस मैदा और चावल के मिक्सचर को मिक्स कर लेते हैं। इसके अंदर मैंने सॉल्ट भी हाफ टी स्पून ऐड किया है। बस अब इस टाइम पे हम इसमें जो मैंने गुड़ को ब्लेंड किया, देखिए इसमें अच्छे से मेल्ट कर लिया है, बस इसे हम डाल देना है। इसे गरम गरम ही डालना है हमको, क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया तो फिर से ये जमने लग जाएगा। तो गरम गरम ही, देखिए धुआं निकल रहा है, आपको दिख भी रहा होगा। और छान लेने से क्या होता है, गुड़ के अंदर जो कचड़े वगैरह हैं वो अलग से देखिए निकल जाता है। बहुत ही सिंपल है इसे तैयार करना। बस इसे अब धीरे धीरे हमको इससे पेस्ट तैयार करना है। अगर आपको लगे कि थोड़ा इसमें पानी की आवश्यकता है और, तो आप पानी तो इसमें ऐड मत करिए, आप इसमें थोड़ा दूध ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसमें ज़रूर ऐड करूँगी दूध। बस इसमें अब मुझे थोड़ा दूध की ज़रूरत है, तो इसमें मैंने देखिए हाफ ग्लास दूध लिया है। जितना मुझे ज़रूरत होगा उतना ही मिलूँगी, अगर पूरा लगा तभी मैं इसमें ऐड करूँगी। बिल्कुल जैसे आप पकौड़ी के लिए बैटर तैयार करते हैं उसी तरह आपको बैटर तैयार करना है। इस तरह से मिला लीजिए अच्छे से। पहले ही ढेर सारा वाटर जो हमने उसमें मिलाया था वो ना डाल दीजिए और ना ही दूध, जितना ज़रूरत हो उतना ही ऐड करिए। ये सारा मुझे लग जाएगा। इसके देखिए ग्लास का मैंने हाफ ग्लास मिल्क लिया था, घर में जो गाय का दूध आता है बस वही है, हो गया। अब इसे धीरे धीरे इस तरह से मिलाते जाइए और बैटर तैयार है बिल्कुल। देखिए बैटर तैयार है। अगर आपको लगे कि थोड़ा पानी की ज़रूरत है या गुड़ की ज़रूरत है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें और गुड़ मेल्ट करके ऐड कर सकते हैं। और गुड़ लेकिन आपको गरम गरम ही मेल्ट करके ऐड करना होगा। देखिए बैटर तैयार है बिल्कुल। अब इसमें हम थोड़ा सा, मैं डाल रही हूँ, ये सब लोग ये नहीं डालते हैं, ये मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कूटा है मैंने हरी इलायची, ग्रीन कार्डमम, चार मैंने जो कुटली होता है अपने घर में उसमें कूट लिया है। बस हो गया फ्लेवर के लिए, इसे मैं थोड़ा सा दे रही हूँ। ये इतना ज़रूरी नहीं है, बट अगर हम ऐड करते हैं किसी भी चीज़ों में तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है फ्लेवर के लिए, बस ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और एक साइड मैंने कढ़ाई पर तेल भी गर्म करने के लिए रख दिया है। आप इधर बैटर बनाइए, तब तक आप तेल गर्म करने के लिए रख दीजिए। तेल हम नॉर्मल रिफाइंड ऑयल ही ले रहे हैं तलने के लिए, तेल गर्म हो जाए उसके बाद एक एक कर हम इसको तलेंगे। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ इधर। ये मेरी लोहे की कढ़ाई है जिसपे मैं हमेशा तलने का काम करती हूँ, आप इससे पहले भी देख चुके होंगे। गर्म कर लिया है तेल और इस तरह का देखिए चम्मच मैंने ले लिया है बैटर उठा के इसमें डालने के लिए। तो तेल गर्म है यानी थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं, छोटा सा एक डाल करके। हाँ तेल बिल्कुल गर्म है। चलिए अब हम एक एक करके तेल के पीठा को तैयार करते हैं। तो इस तरह थोड़ी बैकग्राउंड आप नॉइस आपको आ सकती है, किचन में मैं हूँ तो। ये ऊपर आ गया देखिए, इसका मतलब है तेल अच्छा गर्म हो चुका है हमारा। बिल्कुल तेज आंच पे ना करिएगा इसे, पहले तेल को आपको गर्म कर लेना है, उसके बाद आपको मीडियम फ्लेम में ही पीठे को तलना है, क्योंकि अगर आप तेज आंच पे इसे बना देते हैं तो अंदर से ये सारा कच्चा रह जाएगा। कितना अच्छा देखिए फूल करके निकला है। इसी तरह से आपको सारे पीठे तैयार कर लेने हैं इसमें डाल करके। मैं देखिए एक ही समय में दो तीन एक साथ निकाल ले रही हूँ, जितना आप जल्दी कर पाएँ उतना ज़्यादा अच्छा है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये बंगाली रेसिपी है, तेलेर पीठा, भाजा पीठा, जो भी इसे कहें, चावल के आटे से तैयार होने वाला। बनाइए घर पर, सबको खिलाइए। और आप लोगों से एक विनती है मेरी, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए,
बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। धन्यवाद आप सभी का और आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पोस्ट शायद बाद में मिले आप लोगों को किस दिन, क्योंकि सेम टाइम में वीडियो जा नहीं पाता है मेरा, कुछ ना कुछ काम आ जाता है और ऐसे ही पहले से डिले रहता है वीडियो, तो आप लोगों तक पहुंचते तक दो चार दिन बीत ही जाते हैं कोई भी त्यौहार के, वो सबके साथ ही होता है। बस इसी तरह से पलट पलट करके देखिए गोल्डन ब्राउन इस तरह कलर आप कर लीजिए ताकि अंदर से ये कच्चा ना रह जाए, और बिल्कुल इस तरह दबाते हुए प्रेस करते हुए देखिए इसको निकालिए अंदर से ताकि तेल इसमें ना रहे। ऐसे मैं देखिए इसको अच्छे से प्रेस कर देती हूँ, वैसे इसका शेप ख़राब हो जाएगा लगता है लोगों को, लेकिन ऑयल भी तो हमको निकालना ज़रूरी है। इस तरह मैं इसको प्रेस करती हूँ फिर मैं निकालती हूँ बाहर तेल से। देखिए इस तरह करके आपको सारे बना लेने हैं। तो आपने देखा पीठा कैसे तैयार कर रही हूँ मैं, और इधर तो मैंने इतने सारे देखिए बना लिए हैं, और बाकी बचे बैटर में मैंने अभी मिलाया है सेसमे सीड्स वाइट वाले और डेसिकेटेड कोकोनट, तिल है सफ़ेद तिल, और जो नारियल का बूरा होता है चूरा जिसे कहते हैं वो मैंने ऐड किया है दो फ्लेवर का ताकि ये तैयार हो जाए। ये आप लोग ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, जो आप ऐड करना चाहे ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो भी आप डाल सकते हैं, बट ये ऐसे सादा ही रिजनली ये सादा ही बनता है। चलिए मैं निकाल लूँ ताकि वो जल ना जाए, फिर बात करती हूँ। तो निकाल लिया है मैंने, और आप लोग कहेंगे कि पहले क्यों नहीं बताया मैंने, ये जो मैंने यूज़ किया है बाद में सेसमे सीड और डेसिकेटेड कोकोनट, तो ये रिजनली नॉर्मल ही बनता है सिर्फ गुड़ और चावल के आटे से, तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया था। बट फ्लेवर के लिए अगर आप लोग खाना चाहें तो ऐसे ऐड कर सकते हैं, इसलिए मैंने हाफ पहले ऐसे ही बना लिया और हाफ में मैं ऐड कर रही हूँ। तल के वैसे दिखता नहीं है इसमें, देखिए निकाला है मैंने बना करके, बहुत गर्म है ये रहा। खाइए कैसा लगा ज़रूर बताइए, और फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद मेरे चैनल में आने के लिए।